ब्लैक लिस्ट पर भी हो, गुर्बत पसमानगी आपके पास है, मईशत आपकी सुस्त रवि का शिकार है, नोटू कहाँ से आ रहा है? हर गली हर मोहल्ले के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ दम मारो दम, ये नोटू वहां से आ रहा है। मुल्क के हालात ड्रामाई अंदाज में बदल रहे हैं। चंद दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया कि ये दो बयानिए की स्टोरी क्यों खेली गई, इस दो बयानिए की स्टोरी का हमारी मईशत से क्या ताल्लुक है, शहबाज शरीफ साहब का बार बार महवर पाकिस्तान की मईशत क्यों है, उनके हाथ ये तुर्क का पत्ता जो कि महंगाई की शुमारियात की सूरत में मौजूद है वो क्या है। लोगों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन फिर हैरान रह गए जब शाम को इसी बयानिए का जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शुमारियात के ज़रिए ही ये बताया कि पाकिस्तान खित्ते में सस्ता तरीन मुल्क है। लोगों की आंखें बहुत बाद में खुलती हैं, क्योंकि आप बेसिकली आपने आंखों में गोंद डाल रखी है, गोंद गीलू, और इसको आपने चिपका लिया है महदूद पैमाने पर मिलने वाली खबरों से। कल तक आप सोच सकते थे कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा को हटा दिया जाएगा, और हटाने के बाद उनको ऐवान में भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको अंदर की सटोरी नहीं पता। और इस तरह के बहुत सारे राज मेरे सीने में पैवस्त हैं, सारे बता दूं तो आग लग जाएगी। पाकिस्तान की मईशत के भी कुछ इसी तरह के राज हैं, अगर बता दूं फिर वही बात, अगर बता दूं तो आग लग जाएगी। आप लोगों को जिस ड्रीम लैंड के अंदर रखा हुआ है उसे दीवाने की जन्नत कहते हैं। आज मौजू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगता है सरमाया। सरमाया कहां से आता है? सरमाया वहां से आता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन सरमाया, अब कल मैं एक पाकिस्तान के आप समझ लें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डर्स के पास बैठा हुआ, ठीक है, शो पे नहीं आते वो, ना मीडिया पे आते, मुझे कहने लगे यार अली ये पैसा आ कहां से रहा है? मैंने कहा सर इस सवाल का जवाब आपको भी पता है, लेकिन अगर मैं बता दूं तो मसला हो जाएगा। पाकिस्तान में पैसा आ कहां से रहा है? लोगों के पास इतना पैसा है यार, इतनी गाड़ियां निकाली हैं लोगों ने, आपकी सोच है पैसा कहां से आ रहा है? Nobody knows। आप ब्लैक लिस्ट पर भी हो, गुर्बत पसमानगी आपके पास है, मईशत आपकी सुस्त रवि का शिकार है, नोटू कहां से आ रहा है? मेरा सवाल है ना सादा सा, भाई नोटू कहां से आ रहा है? लोग तो भूखे पड़े हुए हैं, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, 2% का काम इस मुल्क में हो नहीं रहा, मेडल आप लेकर आए हैं 0, क्रिकेट आपकी थर्ड क्लास, कहीं पे देखो ना, अमेरिका बोले कि हमारे यहां नोटू आ रहा है, बंदा मानता है यार, कोई बंदा चांद पे जा रहा है, कोई खला पे जा रहा है, नई इजादात हो रही है। पाकिस्तान में क्या इजाद हो गई? पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? डब्बू, कैंडी क्रश, और क्या खेल रहे हो? ये नोटू आ कहां से रहा है? ये सारा नोटू जो है कहां से आ रहा है? अब मैं बता दूं तो आग लग जाएगी कि ये नोटू कहां से आया है। हर गली हर मोहल्ले के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ दम मारो दम, ये नोटू वहां से आ रहा है। ये जो लगा रहे हैं ना लोग मस्ती वाला, और ये जो गोलियां मिल रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन पे लिखा हुआ है XTC, आ तो रहा है। आपने भाई ये पकड़ा था ना इनका बंदा, नॉन लीग की मारूफ शख्सियत जिनका ताल्लुक शहर रावलपिंडी से है, आपने इसी चक्कर में पकड़ा था ना कि XTC की गोली या जो भी मंशियात की गोली थी वो ऑस्ट्रेलिया से मिली, उसकी सोर्स निकाली तो वो यहां से मिल गई, ऐसी कोई बात थी ना कच्ची पक्की, मुझे याद है भाई। आपके मुल्क में तो सब चलता है, बोतल मिल जाए आप शहद की बोल देते हैं, उससे मरम पट्टी भी कर लेते, आपके यहां सब चलता है भाई दुनिया।